वेलकम स्टूडेंट्स, अग्रसर वे वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि फोल्डर मैनेजमेंट। जी हाँ, फोल्डर मैनेजमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फोल्डर मैनेजमेंट होता क्या है? हम फोल्डर मैनेजमेंट का मतलब होता है फोल्डर को अपने कंप्यूटर में फोल्डर को कैसे बनाते हैं, फोल्डर को कैसे कहीं मूव करते हैं, फोल्डर में किसी फाइल को किस तरह से रखते हैं, फोल्डर के किसी फाइल को हम किस तरह से एक फाइल से दूसरे फाइल में कॉपी करते हैं, है ना। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फोल्डर मैनेजमेंट। मैं आपको एक बार फिर से बोल दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। ये डेस्कटॉप होता है, ठीक है। ये डेस्कटॉप जो कंप्यूटर का जो पहला स्क्रीन, यानी कि व्हेन वी टर्न ऑन कंप्यूटर देन द फर्स्ट स्क्रीन विल बी अपियर इट्स कॉल्ड डेस्कटॉप। यानी कि जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो पहला स्क्रीन आता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा, ये पूरा जो है ये डेस्कटॉप का है ना, ये पूरा डेस्कटॉप है। ये छोटे छोटे ये सब क्या है, आइकॉन है। तो देखिए ये फोल्डर है, ये फाइल है, ये फ्री फाइल है, ये शॉर्टकट है, ये फोल्डर है, ठीक है, ये भी फोल्डर है। तो चलिए, अगर हमें यहाँ डेस्कटॉप पे एक और फोल्डर अगर हमें अपने नाम से या किसी कोई भी नाम से अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले एक डेस्कटॉप के खाली जगह पे माउस का पॉइंटर ले जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। जी हाँ, राइट क्लिक, याद रहे माउस के राइट बटन से हमें एक बार बटन दबाना है, यानी कि राइट क्लिक करना है। तो हाँ, ये राइट क्लिक करने के बाद ये जो है हमारा इतना सारा मेन्यू आया, तो इसमें हमें किसी मेन्यू को छेड़छाड़ नहीं करना है, बल्कि सीधा न्यू पे आना है। न्यू पे जाने के बाद यहाँ नया हमें क्या क्या बनाना है, तो यहाँ सारा लिस्ट आ जाता है, फाइल्स, ये सभी फाइल्स है ना, शॉर्टकट्स है, फोल्डर है। तो हमें क्या बनाना है, फोल्डर। तो चलिए फोल्डर पे हमें एक बार जा करके क्लिक करना होगा। क्लिक का मतलब लेफ्ट क्लिक, और राइट क्लिक करने के लिए हमेशा आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो हमें एक बार इस पे एक बार क्लिक करना होगा। तो जी हाँ, जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे एक न्यू फोल्डर टू, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यू फोल्डर बना होगा। जी हाँ, ये देखिए, ये न्यू फोल्डर पहले से बना हुआ है, इसलिए ये न्यू फोल्डर टू आया। अब हम क्या करेंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट नेम जो होता है किसी भी फोल्डर का, वो न्यू फोल्डर के नाम से होता है। अगर न्यू फोल्डर रहेगा तो न्यू फोल्डर टू बनेगा, अगर न्यू फोल्डर टू और न्यू फोल्डर टू रहेगा तो न्यू फोल्डर थ्री बनेगा। इस तरह से वो ऑटोमेटिकली नेम ले लेता है, लेकिन हमें यहाँ अपने नाम से बनाना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, तो इसको हम लोग मिटा करके बैक स्पेस दबा कर यहाँ कोई भी नाम लिख देंगे, ठीक। कोई भी नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए हम अपना नाम लिखते हैं, चलिए शाहबाज नाम का हमने एक फोल्डर बना दिया। एक लिखने के बाद या तो इंटर बटन दबा देंगे या कहीं भी आउटसाइड पे आप माउस के बटन को ले जाके क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये फोल्डर जो हमारा बन गया। अब इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं। तो देखिए, फोल्डर को ओपन करने का तीन तरीका होता है। या तो जनरली आप डबल क्लिक, यानी कि लेफ्ट बटन से दो बार बटन जल्दी जल्दी दबाइएगा तो फोल्डर खुल जाएगी। देखिए फोल्डर खुल गया। अब इसे मैं यहां से बंद कर देता हूं। अब उसके बाद, अब दूसरा जो तरीका है, एक बार इस पे राइट क्लिक करना है फोल्डर पे। राइट क्लिक करने के बाद इतना सारा मेन्यू आया है, तो इस मेन्यू से हमें कोई का लेना देना नहीं है अभी, यहाँ हमें फोल्डर को ओपन करना, तो यहाँ ओपन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये फोल्डर खुल गया। और तीसरा तरीका ये है कि फोल्डर को हमें केवल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए केवल एक बार सिंगल क्लिक करना होगा और उसके बाद इंटर बटन दबा देना है, ठीक है। ये मेरा फोल्डर खुल गया। तो चलिए, फोल्डर बनाने तो हम लोगों ने सीख लिया। अगर इस फोल्डर में किसी भी फाइल को अगर हमें रखना होगा तो उस फाइल को या किसी फोल्डर के अंदर में सब फोल्डर को रखना होगा तो हम उसे कैसे रखेंगे? तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे हमारे फोल्डर ऑलरेडी से बने हुए हैं। कुछ सिस्टम्स के ऑटोमेटिकली फोल्डर होते हैं, कुछ हमारे कुछ मेरे द्वारा पर्सनल बनाया गया हुआ फोल्डर है। तो देखिए, यहाँ पर एक ये फोटो है, ये क्या फोटो है, ये फोटो है, तो ये क्या है, ये फाइल है, ये वीडियो है, ये क्या है, फाइल है। चलिए हम इस फोटो और इस वीडियो को हम इस फोल्डर में मूव करते हैं। मुझे ये फोल्डर जो है, ये दोनों, ये फोटो और ये वीडियो मुझे यहाँ नहीं चाहिए, और ये हमें
इस फोल्डर के अंदर में ये भी, तो ये फोल्डर बिल्कुल खाली है, तो हमें ये दोनों एक फोटो एक वीडियो हमें यहां पे चाहिए। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए एक बार क्लिक करना होगा। आज अभी दूसरा, अरे ये क्या, इसको क्लिक कर रहा हूं तो ये सिलेक्ट हो रहा है, इसको क्लिक कर रहा हूं तो ये सिलेक्ट हो रहा है, इसका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हट जा रहा है। तो देखिए अगर इस तरह से, तो आप इसे ड्रैग करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक अल्टरनेट तरीका होता है कि अगर हमें ये फोल्डर एक अलग अलग फोल्डर छांट के अगर सिलेक्ट करना होता है, तो हमें एक बार उस फोल्डर पे पहले क्लिक करना होगा, पहला फोल्डर पे, और उसके बाद कंट्रोल बटन, जी हाँ कंट्रोल बटन दबाने के बाद हमें दूसरे फाइल को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि लेफ्ट क्लिक करना होगा। ये देखिए दोनों फोल्डर मेरा, दोनों फाइल मेरा क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया। अब इस फाइल को हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, जी हाँ राइट क्लिक करने के बाद कट कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये भी यहाँ क्लिक कर सकते हैं, या फिर Ctrl+X, जी हाँ Ctrl+X बटन आप कीबोर्ड से दबा सकते हैं। चलिए हम यहाँ कट पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद हमें इस फोल्डर को जहां मूव करना है ना, जहां मूव करना है, तो हमें इस शहबाज नाम के फोल्डर में इन दोनों फाइलों को क्या करना है, मूव करना है। तो इसे हम डबल क्लिक से ओपन करेंगे, और डबल क्लिक से ओपन करने के बाद यहाँ जो खाली स्थान है, खाली एरिया जो है, ब्लैंक स्पेस पूरा तो खाली ही है, इस पे हम यहाँ क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+V, जी हाँ Ctrl+V बटन एक साथ में दबाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों फोल्डर मेरे यहाँ पर आ गए, एक ये पिक्चर है और एक ये वाला वीडियो है। चलिए तो ये तो अभी हम लोगों ने सीखा फोल्डर को बनाना और फोल्डर को मूव करना, लेकिन अगर हमें किसी फोल्डर का कॉपी, यानी कि एक डुप्लीकेट फाइल या कोई फोल्डर हमें अपने फाइल के, अपने फोल्डर के अंदर में रखना होगा, तो क्या करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, ये एक लोगो है, ठीक है, एक ये लोगो है, इस लोगो को और ये वाला जो फोल्डर है न्यू फोल्डर, इन दोनों को हमें कॉपी करके, यानी कि ये दोनों फाइल, चलिए केवल एक ही फोल्डर को हम करते हैं। तो चलिए अगर इस न्यू फोल्डर को कॉपी, यानी कि ये यहां भी होना चाहिए और इसका डुप्लीकेट हमें इस शहबाज नाम के फोल्डर में भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। जी हाँ याद है, अगर राइट क्लिक करते समय अगर आपका माउस मूव होता है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, है ना। तो यहां पर जाकर के इस पे कॉपी कर देंगे। अगर कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो आप Ctrl+C कर लीजिए और इस फोल्डर को ओपन करेंगे, और यहाँ खाली जगह पे जाकर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये फोल्डर यहाँ भी आ गया, ठीक है, और ये न्यू फोल्डर यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। देख लीजिए दोनों में कॉन्टेंट सेम है ना। ये सभी जो पिक्चर है इस फोल्डर में भी है, और शाहबाज नाम के फोल्डर के अंदर में जो हमने कॉपी किया है वही सेम पिक्चर इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ टाइटल बार पे ये देखिए ये फोल्डर दिख रहा है कि शाहबाज नाम का फोल्डर है, और उसके बाद एक न्यू फोल्डर है, उसके अंदर में हम लोग हैं। आप यहां से देख सकते हैं ये क्या है, डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के बाद शाहबाज नाम का फोल्डर, उसके बाद न्यू फोल्डर है, ठीक है। चलिए अब हम यहां से इसे बैक कर लेते हैं। तो ये तो रहा, ये हम लोगों ने सीख लिया कि फोल्डर को बनाते कैसे हैं, उसे कहीं मूव कैसे करते हैं और उसे कॉपी कैसे करते हैं। तो देखिए ये ऐसा नहीं कि हम केवल डेस्कटॉप पे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या कट पेस्ट कर सकते हैं, हम कहीं भी जहां किसी दूसरे ड्राइव में भी अगर इस फोल्डर को अगर हम चाहते हैं, ये माई कंप्यूटर के अंदर में, डी ड्राइव के अंदर में, किसी फोल्डर के अंदर में रखना है, या फिर यहाँ रखना है, या फिर ई ड्राइव के अंदर में यहाँ रखना है, या इस फोल्डर के अंदर में कहीं रखना है, तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं फोल्डर का नाम चेंज करना। तो चलिए यहाँ पर जो शाहबाज नाम के फोल्डर के अंदर में ये जो न्यू फोल्डर है, इसका हमें नाम चेंज करना है और लिखना है माई पिक्चर, क्योंकि इसमें मेरा पिक्चर है। तो हम इसे राइट क्लिक करेंगे और रिनेम पे क्लिक कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया, इससे हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नाम लिख के इंटर बटन दबा देना है। एक दूसरा तरीका होता है, इस पे एक बार क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से F2, जी हाँ फंक्शन सबसे ऊपर बार में F2 बटन होगा, उसे दबा देना है। तो ये क्या, नाम चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है और हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं।
तो ये मेरा क्या हुआ, फोल्डर का नाम चेंज हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किसी फोल्डर को अगर डिलीट कैसे करते हैं, तो देखिए ये तो फोल्डर का कॉपी तो इस फोल्डर के अंदर में मेरा है ही। अब हमें क्या करना है, इस फोल्डर से ये जो पिक्चर है ना, ये जो पिक्चर है इसे हमें डिलीट करना है। तो इस पिक्चर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ डिलीट का ऑप्शन है नीचे से, 3 नंबर पे डिलीट लिखा होगा, आप इसे पढ़ भी सकते हैं और इसे एक बार केवल क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर ऑन द रिसाइकल बिन। देखिए जो भी फोल्डर या फाइल में कोई भी आइटम हम जो डिलीट करते हैं वो सीधा रिसाइकल बिन में जाता है, तो आप करना चाहते, जी हाँ हमें करना है, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे कि फोल्डर यहाँ से डिलीट हो गया। अब ये चला गया कहाँ, रिसाइकल बिन में। यानी कि रिसाइकल बिन क्या होता है, एक डस्टबिन होता है। जी हाँ, हमारे घर पे, स्कूल पे, हमारे घर पे, स्कूल पे है ना, या हमारे ऑफिस पे डस्टबिन होता है, उस तरह से यहाँ भी डस्टबिन, जो भी डिलीट किया हुआ फाइल इस फोल्डर के अंदर में आ जाता है। देखिए ये जो फोल्डर, इस पे हमने डिलीट जो किया है वो देखिए, देखिए यहाँ पर मौजूद है ना, ये फोल्डर यहाँ पर मौजूद है। तो अब हम चाहेंगे तो इसे हम रिस्टोर भी कर सकते हैं। देखिए ये फोल्डर है, सॉरी ये फाइल है, इस फाइल को हमने डिलीट किया था, ठीक है, इससे हम चाहे थे रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे फोटो पे, रिस्टोर, देखिए रिस्टोर करने के बाद वो फोटो जहां से हमने डिलीट किया था वहां वो चला जाएगा। चलिए एक बार इसे रिस्टोर कर लेते हैं, रिस्टोर कर दिया, यहाँ से ये हट गया। अब यहाँ जाएंगे हम, सॉरी न्यू फोल्डर में था, देखिए वो फोटो यहाँ पर आ गया है ना। तो ये रहा फोल्डर को डिलीट करना, और डिलीट करने के बाद इसे हम वापस कैसे लाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं फोल्डर को, दूसरा तरीका जो डिलीट करने का होता है, चलिए इस पूरे फोल्डर को भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये तो ये सारा पिक्चर मेरे पास ऑलरेडी इस फोल्डर के अंदर में है। इसे एक बार सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन, जी हाँ डिलीट, DELETE, डिलीट बटन, या फिर किसी किसी कीबोर्ड में केवल डेल बटन लिखा हो, डेल लिखा होता है, DEL, उसे एक बार दबा देना है। और यहाँ वही चीज पूछेगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन, क्या आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो हाँ यस। ये देखिए ये फोल्डर यहां से डिलीट हो गया और कहाँ चला गया, रिसाइकल बीन में। देखिए यहां पर ये फोल्डर है मेरा, अगर हाँ रिसाइकल बीन से भी अगर हमने डिलीट कर दिया तो वो फोटो, वो फोल्डर वापस नहीं आएगा है ना, उसके लिए हमें कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। चलिए तो हमने फोल्डर को बना लिया, फोल्डर को मूव कर लिया, फोल्डर को का डुप्लीकेट फाइल बना लिया, फोल्डर को रीनेम, फोल्डर का या किसी भी फाइल का नाम चेंज कर लिया, या और हम लोगों ने फोल्डर को डिलीट भी कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत, हमने बताया कि ये सभी क्या है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर, ये तो फाइल है, तो ये आखिर ये जो फाइल, ये जो यहाँ पे एक फाइल नुमा ये पिक्चर जो बना हुआ है, इसकी जो पिक्चर को मुझे चेंज करना है इस तरह से, या ये इस तरह से कोई कंप्यूटर लगा देना है, या कोई भी अलग से कोई भी दूसरा पिक्चर लगा देना है छोटा सा। तो मैं आपको एक बार बता दूं, जितने भी ये छोटे छोटे जो पिक्चर है ना, जितने भी ये छोटे छोटे पिक्चर है, इन सभी को हम लोग आइकन बोलते हैं, आइकन, ठीक है। ये आइकन अगर हमें चेंज करना है तो इस पर एक बार राइट क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे नीचे प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाने के बाद आपको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसपे बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, लेकिन हम किसी भी ऑप्शन को टच नहीं करना है, हमें सीधा जाना है कस्टमाइज पे, ठीक है। यहाँ कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे चेंज आइकॉन का एक बटन बना हुआ होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज आइकॉन का बटन, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, इसी के बगल में चेंज आइकन है। अब हमें यहाँ क्या करना है, इस पे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक छोटा सा और बॉक्स खुलेगा, इसे बहुत सारा छोटा छोटा पिक्चर जो है यहाँ पर अवेलेबल है, और हम यहाँ से किसी भी पिक्चर को चूज कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, एक बार ये सही का जो टिक है, राइट टिक को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओके कर देना है, और यहाँ पर अप्लाई कर देना है, और फिर यहाँ पर ओके कर देना है। ये फोटो एक बार रिफ्रेश कीजिए, ये ऑलरेडी ये फोल्डर का जो पिक्चर है जो है ये आइकन चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने फोल्डर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, ये आज फोल्डर मैनेजमेंट का पार्ट 1 वीडियो है, और इसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे कि फोल्डर को हाइड कैसे करते हैं और फोल्डर, हिडन फोल्डर को फिर वापस कैसे लेके आते हैं।
आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अब अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फोल्डर मैनेजमेंट से संबंधित आती है तो आप हमें कमेंट करके उसका आंसर पा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक बटन जरूर दबा दें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।